जोगिंदर नगर बस अड्डे के बाहर बुधवार को सड़क हादसे में कारोबारी संदीप राणा की मौत मामले को लेकर व्यापार मंडल जोगिंदर नगर में रोष व्याप्त है। शनिवार को व्यापार मंडल अध्यक्ष की अगुवाई में सभी कारोबारी पुलिस थाने पहुंचे और चश्मदीद के बयान के आधार पर सख्त कार्रवाई की मांग उठाई। साथ ही साथ उन्होंने तेज रफ्तार वाहन चलाने पर कार चालक के खिलाफ गैर जमानती धाराओं के तहत मामला दर्ज न करने पर भी सवाल उठाए। आज 5 जुलाई आज हम अपना डेपुटेशन लेके यहाँ पर थाना प्रभारी जी से मिलने आए थे। 2 दिन पहले मार्केट में एक इंसिडेंस हुआ था जिसमें हमारे भाई संदीप जी का निधन हो गया, कोई अज्ञात वाहन उन्हें टक्कर मार गया। तो उसमें उस केस में अभी तक लेटेस्ट प्रोफाइल स्टेटस क्या है केस का, तो उसकी जानकारी लेने के लिए हम यहाँ पर आए हुए थे, तो उसके बारे में हमने इनसे विस्तृत चर्चा की है। दूसरा जो हमने इनसे बात की है, 2-3 मुद्दे कुछ हमारे और भी थे, तो पहला मुद्दा तो हमारा वही था, उसके रिगार्डिंग इन्होंने जैसे जानकारी दी कि केस रजिस्टर्ड हो चुका है, तो उसकी जानकारी अभी आपको ये पूरी बता देंगे। दूसरा जो हमने मुद्दे इनसे डिस्कस किया था कि जो CCTV कैमराज बंद पड़े हुए हैं, तो उस पर क्या अपडेशन है, कब तक वो दुरुस्त हो पाएंगे, तो उसकी भी हमने इनसे जानकारी ली है। तीसरा मुद्दा जिस पे हमने इनसे चर्चा की है कि जो प्रवासी बाहर से यहाँ पर आते हैं, रहते हैं, तो उनकी रजिस्ट्रेशन का क्या एक प्रोसेस है और उसमें क्या उसमें व्यापार मंडल का रोल रहना चाहिए। इसके अलावा जो लास्ट मुद्दा हमने इनसे डिस्कस किया है कि जो बसेज वाले भी कुछ बड़ी रैश ड्राइविंग मार्केट में करते हैं और उनके कुछ जो हॉर्न वगैरह भी होते हैं काफी साउंड वाले होते हैं, तो उसके लिए भी हमने इनसे चर्चा की। तो इन 4 मुद्दों पे हमने इनसे आज चर्चा की थी, तो इसकी जानकारी भी आपको ये डिटेल में बता देंगे। वहीं पुलिस थाने के कार्यकारी प्रभारी मुंशी राम ने कारोबारियों को आश्वस्त करते हुए कहा कि पुलिस ने केस दर्ज कर कार्रवाई अमल में लाई है। 2024 को बस स्टैंड के पास जूंदनगर में सड़क दुर्घटना हुई थी, हमें सूचना मिली थी, पुलिस गई थी, पुलिस ने FIR नंबर 107/24 पंजीकृत थाना किया था जिसकी तफ्तीश जारी है, परंतु स्थानीय लोगों में अफवाह फैलाई गई लोगों के द्वारा कि पुलिस ने कोई FIR दर्ज नहीं है और कोई कार्रवाई नहीं की है। उसकी जानकारी लेने हेतु स्थानीय व्यापार मंडल स्थानीय लोगों के साथ आज थाना है, आज उस व्यापार मंडल के प्रधान को या बाकी आए लोगों को केस के संबंधित पूरी जानकारी उपलब्ध कराई गई है। उनको बतलाया गया है कि केस की तफ्तीश विधि अनुसार अमल में लाई जा रही है और आरोपी राकेश कुमार को मुकदमा में शामिल तफ्तीश करके उसका मेडिकल करवाकर कताड़िए का नोटिस देकर रिहा किया गया है और मुकदमा की हालिया की तफ्तीश अभी जारी है। तो आप हमने अपना मतलब अभी थोड़े मौका की और कार्रवाई है, उसको भी आज समेट रहे हैं जी। इसमें 7 साल से कम सजा है, बीच में वो इसमें कताड़ी का नोटिस लेके छोड़ सकती है पुलिस में, तो अवेलेबल है। कोई स्थानीय लोगों को जैसे मैंने प्रधान जी से निवेदन किया है कि हमें पुलिस को सहयोग करें, जो चश्मदीद हुआ है वो पुलिस की सहायता करें, जैसे से तफ्तीश में सहयोग करें, पुलिस की अपेक्षा रहेगी स्थानीय लोगों से। ये लोगों द्वारा झूठी अफवाहें फैलाई जा रही है, पुलिस को बदनाम किया जा रहा है, हमने जो सेक्शन बनती है वो लगी है, जो कानून अनुसार बनती है उन सेक्शनों को लगाया गया है। पंजाब केसरी टीवी के लिए जोगिंदर नगर से लकी शर्मा की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा Instagram पेज himachal.kesri।